अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने अवकाश की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी प्राण प्रतिष्ठा के आधे दिन ही छुट्टी का प्रस्ताव LGBK सक्सेना के पास भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 22 जनवरी को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी को मंजूरी दे दी है। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में हाफ डे रहेगा। राजनिवास के एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, नगरीय निकायों और अन्य उपक्रमों के लिए आधे दिन की छुट्टी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे LG ने मंजूर कर लिया है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। दिल्ली सरकार शनिवार से 3 दिवसीय भव्य रामलीला का मंचन कराएगी। इस रामलीला का मंचन ITO स्थित प्यारेलाल भवन में 22 जनवरी तक शाम 4 से 7 बजे तक होगा। दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी विभाग की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। इसमें श्री राम भारती कला केंद्र के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 22 जनवरी को कनॉट प्लेस अयोध्या जैसा सजा धजा नजर आएगा। इनर सर्कल में बड़ी LED पर अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान शंख और घंटियां बजाकर पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान राम को 11 किलो के लड्डू का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। कनॉट प्लेस के कारोबारियों की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए कनॉट प्लेस के बाजार में सजावट की गई है। CB के प्रत्येक ब्लॉक को सजाया गया है। यहाँ खास तौर से केसरिया राम ध्वज लगाए गए हैं।